हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ मैथ्स रिलेटेड नया लेकर आती हूँ, ऐसे ही मैं आज आपके लिए मैथ्स रिलेटेड एक न्यू ट्रिक लेकर आई हूँ। ट्रिक का नेम है कैलेंडर रिपीट ट्रिक। क्या होता है कैलेंडर रिपीट ट्रिक, आइए जानते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए 2020 का कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, मीन्स आने वाले सालों में कौन सा साल ऐसा होगा जिसका कैलेंडर एग्जैक्टली सेम होगा 2020 के कैलेंडर के जैसा। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि 2019 का जो कैलेंडर है वो आने वाले सालों में कब रिपीट होगा, तो आप कैसे बताएंगे। एग्ज़ाम में आपके पास कैलेंडर तो होता नहीं है कि नहीं आपने देखा कि अच्छा ठीक है पलटते रहे अब आपको मिल गया कि 2048 का कैलेंडर 2020 के कैलेंडर से मैच कर रहा है, अच्छा आंसर 2048 हो गया। ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पास आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते। आपको क्या करना है, माइंड यूज़ करना है, आपको ओरली बताना है। तो कैसे बता पाएंगे, आप तभी बता पाएंगे ऐसे टाइप का क्वेश्चन का आंसर जब आपको उससे रिलेटेड ट्रिक पता होगी। अब बात ये आती है कि ट्रिक हमें कैसे पता होगी, हम कैसे जानेंगे कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप ट्रिक का यूज़ करके बता सकते हैं, क्या ट्रिक हो सकती है कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो चलिए बात करते हैं अपनी ट्रिक की। तो सबसे पहले हम जानेंगे लीप ईयर के बारे में। हो सकता है बहुत सारे लोगों को जानकारी हो कि क्या होता है लीप ईयर, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें जो फरवरी होती है 29 की होती है। अब आप कैसे जानेंगे कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, अगर आपसे कोई भी रैंडमली ईयर सेलेक्ट कर लिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये ईयर लीप ईयर है या नहीं है तो कैसे बताएंगे। कुछ नहीं करना आपको। मान लीजिए आपसे 2016 के बारे में पूछा गया कि बताइए 2016 जो था ईयर, जो हमारा पास्ट ईयर था, वो लीप ईयर था या नहीं था, तो आपको क्या करना है, आपको उस ईयर को 4 से डिवाइड करना है। अगर 4 से डिवाइड करने पर आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, वो जो पर्टिकुलर ईयर है जिसको हमने 4 से डिवाइड किया है वो क्या होगा, लीप ईयर हो जाएगा। अब 2016 की बात करें तो हमको पूरा ईयर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट करने हैं, चूज़ करने हैं और उसे 4 से डिवाइड करना है। सिर्फ हमें लास्ट के 2 डिजिट सेलेक्ट करने हैं, उसे 4 से डिवाइड करना है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर ईयर होगा वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। अगर हम 2016 की बात करें तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 16, तो हम क्या करेंगे, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे। हम 4 से डिवाइड करेंगे 16 को तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो 2016 है वो क्या है, एक लीप ईयर है। अगर 2020 की बात करें तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 20, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो 2020 है वो भी एक लीप ईयर है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2020 आने वाले सालों में कब रिपीट होगा तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसका भी जो ट्रिक है वो भी इसी से रिलेटेड है। जब भी आपसे किसी भी ईयर के बारे में पूछ लिया जाए, रिपीटिंग ईयर के बारे में पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर ईयर को, जिस ईयर के बारे में आपसे पूछा गया है, उसको 4 से डिवाइड करना है। अगर आपका क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है 0 आ जाता है तो आप उसको उस पर्टिकुलर ईयर में 28 ऐड कर देना है, तो जो आंसर आएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, रिपीटिंग ईयर हो जाएगा। जैसे कि 2020 है, 2020 में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो हम क्या करें, 2020 में 28 ऐड कर देंगे। जब 2020 में 20 ऐड करेंगे तो ईयर आ जाएगा 2048। इसका मतलब ये है कि 2020 कब रिपीट होगा, 2048 में, मीन्स 2048 का जो कैलेंडर होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा किसके, 2020 के कैलेंडर के। ये तो थी रिमाइंडर 0 की बात। अगर किसी भी ईयर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आपका नहीं आता है, अगर आपका रिमाइंडर 1 आ जाता है तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। मान लीजिए आप डिवाइड करते हैं 2021 को, 2021 को अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। अब इसे कैसे डिटरमाइन करेंगे कि 2021 कब रिपीट होगा, आपको कुछ नहीं करना, 2021 में 6 ऐड कर देना है। 6 जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2027। इसका मतलब ये है कि जो 2021 है वो 2027 में रिपीट होगा। 2027 का जो कैलेंडर है 2021 के एग्जैक्टली सेम होगा। तो ऐसे आपको करना है, किसी भी ईयर को सबसे पहले आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आपको क्या करना, उस ईयर में 28 ऐड कर देना है, तो जो आंसर आएगा वही पर्टिकुलर हुआ ईयर होगा, रिपीटिंग ईयर।
अगर आपका रिमाइंडर वन आता है तो आपको क्या करना है, जब आपका रिमाइंडर वन आता है तो आपको दिए गए ईयर में जो जिस पर्टिकुलर ईयर को हमने फोर से डिवाइड किया है उसमें आपको सिक्स ऐड कर देना है। जब सिक्स आप ऐड कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा, जो आपका आंसर में ईयर आएगा वही आपका रिपीटिंग ईयर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका रिमाइंडर टू आता है, अगर रिमाइंडर आपका टू आता है या थ्री आता है तब आप क्या करेंगे, अगर आपका रिमाइंडर टू आता है या थ्री आता है तो आपको कुछ नहीं करना, उस ईयर में इलेवन ऐड कर देना है। टू भी आने पर या थ्री भी आने पर, दोनों के केस में हमारा सेम प्रोसेस है। अगर रिमाइंडर आपका टू पर्टिकुलर ईयर को फोर से डिवाइड करने पर अगर आपका रिमाइंडर टू आता है या थ्री आता है तो आपको उस ईयर में इलेवन ऐड कर देना है। इलेवन ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, जो आंसर में आपका पर्टिकुलर ईयर आएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका आंसर ईयर हो जाएगा, वही आपका रिपीटिंग ईयर हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारा 2019 है, 2019 को जब हम फोर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या करना है, लास्ट के टू डिजिट डिवाइड करने हैं। 19 को हम फोर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, रिमाइंडर टू और थ्री के केस में क्या करना है, पर्टिकुलर ईयर में इलेवन ऐड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें 2019 में 11 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा और 2030 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 2019 का कैलेंडर है वो सेम कब होगा, 2030 में वो रिपीट होगा। 2030 का जो कैलेंडर है और 2019 का जो कैलेंडर है वो एग्जैक्टली सेम होंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये थी हमारी कैलेंडर रिपीट रेट। कैसे डिटरमाइन करना है एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, पर्टिकुलर जो भी ईयर दिया हुआ है उसको हमें सबसे पहले फोर से डिवाइड करना है। फोर से डिवाइड करने के बाद हमें चेक करना है कि रिमाइंडर क्या है। अगर आपका रिमाइंडर जीरो आता है तो उस पर्टिकुलर ईयर में 28 ऐड कर देना है, तो जो आंसर होगा वही रिपीटिंग ईयर होगा। लेकिन अगर आपका जो रिमाइंडर है वो वन आता है तब आपको क्या करना है, जब रिमाइंडर आपका वन आता है तो उस पर्टिकुलर ईयर में आपको सिक्स ऐड कर देना है, तो जो आंसर वाला ईयर होगा वो आपका रिपीटिंग ईयर हो जाएगा। लेकिन जब आपको फोर से डिवाइड करने पर, पर्टिकुलर ईयर को फोर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर टू मिलता है या थ्री मिलता है तब आपको क्या करना है, आपको इलेवन ऐड कर देना उस पर्टिकुलर ईयर में, तो आपको रिपीटिंग ईयर मिल जाएगा। तो ये थी हमारी शानदार ट्रिक जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा एक ही मोटिव है, हमें सीखना है और दूसरे को सिखाना भी है। तो प्लीज़ जितना हो सके लोगों तक शेयर कीजिए और दूसरों को बताइए, आप अपने भाई बहन के साथ शेयर कीजिए, उनसे पूछिए, इससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके लिए भी हेल्पफुल होगा और आपसे आपके जो भाई बहन हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, आप उन्हें भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सिखा सकेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसे वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, ट्रिक को एक दो बार आप माइंड में अप्लाई कीजिए, जिससे क्या होगा आपको ये याद हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।